सुप्रभात मंडली, गुड मॉर्निंग, कैसा का है। सो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी का सीन कुछ ये है कि फार्म हाउस पे जो गेस्ट है उनके लिए हमें लेके जाना है ब्रेकफास्ट। दो ही गेस्ट है इसलिए उधर जाके बनाना नहीं है, यहाँ से कुछ पार्सल लेके जाते हैं, मिसल पाव वगैरह कुछ भी लेके जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले सुबह का काम वो काम करते क्योंकि आज संडे है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है सबको। तो वही नहीं भी घर पे, भाई भी घर पे, आज मैं भी घर पे ही। तो देखते हैं, कुछ प्लान बनाते और कुछ धमाकेदार करते, प्रैंक वैंक करते घर वालों के साथ आज। तो चलो, सबसे पहले तो वो काम करके आते, बाद में देखते क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ले लिए मिसल पाव इसमें। तो अभी आज संडे है ना, राइडर बहुत जा रहे हैं हाईवे से, तो अभी चलते हैं फार्म हाउस पे, उनको नाश्ता देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो दोस्तों, फार्म हाउस पे तो आ चुके और अभी उनको देते हैं ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी घर आ चुके हैं, अभी चलते हैं नाश्ता करते। नाश्ता नहीं, अभी तो 12 एक बजने आए, अभी सीधा खाना ही खाते, नाश्ता नहीं करना, खाना खाते। चलो। तो दोस्तों, गुड इवनिंग, अभी जस्ट सो के उठे, आज कुछ काम नहीं था खास। सीन कुछ है कि निकिता और काश दादा गए पनवेल। पनवेल क्यों गए, वो कल जाना है विकास दादा को और पापा को और मेरे मामा वगैरह, वो सब जा रहे हैं गांव। गांव क्यों जा रहे हैं, गांव जाने के पीछे क्या रीज़न है, वो आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा, आज के ब्लॉग में नहीं पता चलेगा। लेकिन थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, एक जवाब देने के लिए गांव जा रहे हैं, यही हिंट है। तो सीन कुछ ये, अभी गए शॉपिंग करने के लिए और जो हमारे स्पेशल गेस्ट है, मम्मी ने जैसा मेरे साथ कल प्रैंक किया, कल मुझे बोला कि मैं गई हूँ, मतलब मम्मी ने माझ्या मला सांगितलं की मी चाललं आहे एका स्पेशल गेस्टसाठी आपल्या शॉपिंग करायला। लेकिन मम्मी गई थी फ्लॅट देखने के लिए, मम्मी और बाकी सब। तो कल मम्मी ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया था, तो आज नहीं है, आज विकास और वहीनी गए हैं कि उस गेस्ट के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो देखते हैं क्या लाते हैं उसके लिए, और चलिए तब तक हम भी सोचते हैं कि आज विकास और वहीनी आने से पहले उनके साथ कुछ प्रैंक कर लिया जाए। तो दोस्तों, अभी सूत्रों से पता चला है कि वर्षा ताई गई है नीचे शेवपुरी खाने के लिए, तो मैंने भी उसको फ़ोन करके ऑर्डर दे दिया है। ये हमारे मम्मी का कमाल है, हमारे मम्मी ने बताया कि वो गई है नीचे, तो शेवपुरी और भेलपुरी मंगाई है मैंने, खाते और फिर देखते क्या प्लान करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर लाई है शेवपुरी और भेल, खाते अभी इसको मजे से। कौन सा हटिया लाएगा एवडा भारी? अच्छा, निकिता साठी आहे का? वाह। दोस्तों, ये लोग शॉपिंग करके आए है, और कुठला गेस्ट साठी, कुठला आहे गेस्ट साठी स्पेशल? मस्त आहे, इकडे जायचे कुठे? गिफ्ट द्यायचं आहे त्याच्यामुळे आणला। अच्छा, गिफ्ट द्यायचं आहे का? कोणाला? हिच्या बर्थडेला आणलाय तो। कोणाला तरी द्यायचं आहे पण लगेच मी सांगू शकत नाही। बर, गिफ्ट द्यायचं आहे। कोणाला आणलाय तो गिफ्ट? मी आता सांगू नाही शकत। मग कधी सांगणार आता? नंतरच्या व्हिडिओ। पण हा निकिताचा आता आमच्या बर्थडे आलाय ना, वहिनीचा, आमच्या वहिनीसाठी हा आणला का बर्थडेला? आहे, आलाय ना आता। बर्थडे बर्थडे ऍनिव्हर्सरी जुलैला। तुझा दाखव, तुझा आण रे बाबू, ये दादाच फिटिंग असेल ना तो। ए भारी आहे, नाही नाही भारी आहे, घालून शाबास। अरे ती काच जाईल खाली, ते काच डायरेक्ट खाली जाईल। देईल तुझे पप्पा, देतील तुझे नवीन घेऊन। Few moments later. सांगू का नको सांगू?
सांगो सॉरी सॉरी बोलायला मी काय केलंय नाही नाही तू सांग त्या दादाला नाव सांग तिला विचार एकदा की दिवसभर कुठं होतीस तू आज कुठं तिकडे होती ना दिवसभर त्या साईडला मी बघितलेली गॅलरी क्या? तो दोस्तों अभी का सीन कुछ ये है कि यहाँ चल रही है टीवी, यहाँ बैठा है विकास दादा कह रहे और अंदर बना रहे एक गारिया आई बनवत आहे गाऱ्या त्या कोंबडी वडे नाही ते कोंबडी वडे भोपळ्याचे वडे अच्छा ते भोपळ्याचे कोंबडी वडे वेगळे असतात ते भोपळ्याचे वडे आपको बाद में खाते हुए दिखाऊंगा देखिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं भोपळ्याचे वडे काय भोपळ्याचे घारगे घारगे अच्छा घारगे बनवते घारगे सो दोस्तों अभी के बजे है कुछ 10:30 और खाना पीना खा के बैठे आराम से मेरा भाई और मम्मी वगैरह सब पैकिंग कर रहे हैं पापा की और भाई की क्योंकि कल वो जा रहे हैं गाँव क्यों जा रहे वो भी वो गुड न्यूज़ का एक पार्ट है 2-3 दिन में पूरा जो सच है जो भी कहानी है वो सब पता चल जाएगी अभी तो नहीं बताऊंगा तो ठीक है आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय बाय।